grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer. So, अभी हम हैं लोनावला और हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सो इन ठीक है सो हाय गाइस वेलकम बैक टू द चैनल सो दिस वीक्स ट्रैवल डोज इज गोइंग टू बी लोनावला वी आर हियर एट लोनावला वी आर गोइंग टू कार्ला केव्स एंड सून विल एक्सप्लोर टाइगर पॉइंट लाइन पॉइंट एंड बुशीराम सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर व्हाट्स देयर इन कार्ला केव्स Why they are so famous? They are so और गाइस वेदर देखिए आप यहाँ का कितना अमेजिंग वेदर है एक बार मैं कैमरा पैन करता हूँ इस साइड फाइनली आ गए कितने की टिकट भैया ये टिकट काउंटर यहाँ पे टिकट तो गाइस जो टिकट है वो इंडियन विजिटर की है 15 रुपीज़ की और फॉरेन विजिटर की 200 रुपीज़ की साथ साथ अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं वीडियोग्राफी बनाना चाहते हैं उसके लिए आपको अलग से 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अभी हम कार्ला केव्स पे पास हैं और आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बहुत अच्छी ग्रीनरी है चारों ओर पूरी ग्रीनरी और बहुत अच्छा बेहतरीन मौसम हो रहा है तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं अंदर और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या ब्यूटी होने वाली है ठीक है लेट्स बिगिन और इधर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ इधर बहुत अच्छा वाटरफॉल है तो अब अंदर चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या होने वाला है तो गाइस ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये केव्स हैं और इसके अंदर हमें अभी जाना है ये पूरे इस रॉक कट केव्स हैं और अभी ये जो सामने आपको दिख रहा है इधर मेरे सामने यहाँ पे एंट्री और यहाँ से हम एंट्री करेंगे चलिए चलते हैं अंदर तो गाइस ये केव्स का कुछ पार्ट है जो कि फिलहाल ओपन है ये वाला जो पोर्शन है ये मतलब बारिश के अच्छा पहले खुला होता है क्या बारिश के अलावा गाइस ये ऊपर का और रूट है जो ऊपर जाता है जो फिलहाल बंद कर रखा है मॉनसून की वजह से तो फिलहाल अभी ये नीचे वाला पोर्शन ही ओपन है यहाँ का तो मैडम कैसा लग रहा है यहाँ के बढ़िया लग रहा है अगर आप वेटिंग कर रहे हैं तो सो गाइस दिस इज द ग्रैंड चैत्य वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कंप्लीटली प्रिजर्व्ड पार्ट ऑफ कार्ला केव्स Entry gate of the Chaitya has horseshoe shape window for lights. There you can see this huge veranda of Grand Chaitya. Actually, it is 52 feet wide and 15 feet deep. And isme bahut sare sculptures hain. You can see these elephants and Buddha riding on the elephant as well. So let's move into the main hall. As you can see, this is a large narrow hall जिसके एक एंड पर एक बड़ा सा स्तूपा है Actually, ये जो चैत्या वर्ड है ये इस स्तूपा के लिए यूज किया जाता है This चैत्या contains relics of Buddhist monks and nuns. This hall contains 15 octagonal shaped pillars on each side. Along with the caves, there is a famous EKVIRA Mata temple primarily worshipped by the fishermen. तो जस्ट अभी इस मंदिर में दर्शन कंप्लीट किए हैं कैमरा अलाउड नहीं था तो इस वजह से शूट नहीं हुआ तो और
And we have come to the end of our Karla Caves trips. We are at the top of Karla Caves. There is amazing weather, amazing view. It has been a great journey. Trek thoda tough tha, was quite tiring for us. But yeah, jo log ko habit hai trek karne ki, itna bhi nahi hai. They should come, they should visit. Good for health, a great weekend outing. And also, especially if you are coming with the car, be careful. Be careful with the car because roads utna acche nahi hai, upar slopes bahut zyada hai. But yeah, it's worth coming. Thank you. Bye. Hello friends.